ये उपदेश का नाम है चूल हाथी पादोपम सूत्र। हाथी पाद मतलब क्या है, किसका पाद? हाथी का पाद। पाद मतलब पैर। हाथी का पैर उदाहरण बना के बताया गया छोटा सूत्र। चूल मतलब छोटा सूत्र। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में विराजमान थे। तब जानुसोनी नाम का एक ब्राह्मण बिल्कुल सफेद घोड़ा से बनाया हुआ सफेद रात से दिन में श्रावस्ती शहर की ओर जा रहा था। कौन जा रहा था? जानुसोनी ब्राह्मण, अमीर वाला है, सफेद घोड़ी है और रात भी सफेद है। जानुसोनी ब्राह्मण देख ले दूर से ही एक ऋषि आ रहा है, पिलोतिक ऋषि आ रहा है, तपस्वी। देख करके पिलोतिक तपस्वी को बताया पुण्यवान वच्छायन। वच्छायन मतलब गोत्र का नाम है। ये पिलोतिक तपस्वी वच्छायन गोत्र के हैं। पुण्यवान वच्छायन, ये दिन का समय में आप कहाँ से आ रहे हैं? कौन पूछ रहे थे? जानुसोनी बताया, दोस्त मैं तथागत भगवान बुद्ध जी के पास से आ रहा हूँ। तो पुण्यवान वच्छायन, आप क्या सोचते हैं श्रमण गौतम का प्रज्ञा के बारे में, उनका बुद्धि के बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है आप? किनका ये बोल रहे हैं? श्रमण गौतम का। अब श्रद्धा कुछ नहीं है, बताया पुण्यवान वच्छायन, पुण्यवान मित्र, तथागत की प्रज्ञा के बारे में समझने के लिए मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं है। अगर तथागत के बारे में कोई जान जाएंगे तो वो जानने वाले व्यक्ति भी ठीक उसी तरह होना पड़ेगा, बाकी किसी को उनके बारे में समझ नहीं सकता, उतना ऊपर है। बताया पुण्यवान वच्छायन, आप श्रमण गौतम के बारे में बहुत बड़ा प्रशंसा करता है, बहुत अच्छा बोलता है श्रमण गौतम को। बताया पुण्यवान दोस्त, तथागत की गुण गाने के लिए मैं कौन हूँ? तथागत लोग संसार में प्रशंसा पाने वाले लोगों में से प्रशंसनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। जो कुछ अच्छा पाता है ना प्रशंसा, उसमें सर्वश्रेष्ठ वही है। देव तथा मानव में सर्वश्रेष्ठ है, मैं कौन हूँ उनका गुण गाने के लिए? छोटा व्यक्ति हूँ। इसके बाद बताया वच्छायन, आप श्रवण गौतम के बारे में उतना कैसे प्रसन्न हो गया, क्या देख के उनका प्रसन्न हो गया? इसका बताया पुण्यवान मित्र, ऐसी बात है, हाथी रहने वाले जंगल में एक आदमी है, उस आदमी हाथी का चिन्ह पहचान सकता है। ये कैसा हाथी का चिन्ह है? वो एक दिन जंगल के अंदर जाता है, उसको दिखाई देता है जंगल में बहुत बड़ा हाथी का पैर का चिन्ह, बड़ा चिन्ह है, लंबा है, चौड़ा है, बहुत विशाल है। तो वो एक निश्चय में आ गया कि ये तो जरूर बहुत बड़ा हस्तिराज है। पुण्यवान दोस्त, मैं भी ठीक उसी तरह तथागत भगवान बुद्ध की चार
पैर का निशाना देख लिया हूँ। इस वक्त मैं भी एक निश्चय में आ गया, तथागत भगवान बुद्ध जी सम्मा संबुद्ध हैं, उनका धर्म स्वाख्यात है, आर्य महासंघ सुपटिपन्न है, वो कैसा चार चरण है। मैं देखता हूँ कभी कभी शास्त्रीय पंडित लोगों के बारे में, पंडित मतलब विद्वान, पढ़ाई लिखाई पूरा कंप्लीट है, वो लोग बहुत चतुर है, शास्त्रीय लोग वाद विवाद करता है कैसे, घोड़ा का बाल लेकर के और घोड़ा का बाल पे निशाना मारता है ना धनुष लेके, ठीक उसी तरह, कितना मेहनत का काम है ना, उसी तरह उन लोग वाद विवाद तर्क करने में चतुर है, माहिर है। उन लोग अपना प्रज्ञा से दृष्टि बहन लेता है, कोई बच नहीं सकता है, उन लोगों का तर्क से वाद विवाद से कोई नहीं बच सकता। तो उन लोग को सुनाई देता है भगवान बुद्ध जी उस गांव में आ गया है, फलना गांव में आया है। तो ये शास्त्रीय लोग बातचीत किया, ठीक है हम लोग भी फलना जाएंगे, जाकर के हम लोग भी वाद विवाद करेंगे, हम लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे तो श्रमण गौतम इसी प्रकार जवाब देगा, इसी प्रकार जवाब देने से उल्टा हम लोग ये प्रश्न पूछेंगे तो फंस जाएगा, गर्दन से पकड़ेंगे, यानी कि वाद विवाद से, पूरा वाद विवाद से पूरा घुमा के हम लोग वाद विवाद शुरू कर देंगे, फंसेगा श्रवण गौतम। तो उन लोग को सुनाई देता है श्रवण गौतम जी फलना गांव में आया है, उन लोग भगवान बुद्ध को खोज के जा रहे, जाते समय भगवान बुद्ध जी शुरू मध्य अंत पवित्र ज्ञान उस विद्वान लोगों को बताते हैं, बताते समय उन लोग उसी धर्म से खुश हो जाता है और उन लोग इतना प्रसन्न हो जाता है वाद विवाद, इन लोग कोई भी भगवान बुद्ध जी से प्रश्न नहीं पूछता है, कोई मतलब नहीं पूछने का, तो वाद विवाद के बारे में क्या बात है। बाद में उन सभी लोग जो तर्क करने के लिए आया है वो सारे लोग तथागत भगवान बुद्ध शिष्य बन जाते हैं, शिष्य बन के विमुक्ति के रास्ता पे जाता है, वो है पहला निशाना। तब मैंने एक निश्चय में आ गया, तथागत भगवान बुद्ध जी सम्मा संबुद्ध हैं, उनका धर्म स्वाख्यात है, आर्य महासंघ सुपटिपन्न, सम्मा संबुद्ध मतलब स्वयंभू मतलब अपना ज्ञान है, यानी कि दूसरों को उपदेश से नहीं, उनका धर्म स्वाकात मतलब, स्वाकात मतलब क्या है, शुरू माध्यम अंत एकदम पवित्र क्लियर ज्ञान बता दिया, एकदम पवित्र है। उनका श्रावक सुपटिपन्न मतलब दुनिया में सबसे पवित्र मार्ग पे आ गया उनका श्रावक। दूसरा चरण के बारे में बताएगा तो कोई कोई ब्राह्मण पंडित लोग संसार में हैं, और चौथा तीसरा के बारे में बताएंगे तो कोई कोई गृहस्थ पंडित लोग हैं, गृहस्थ जीवन जो बिताते हैं, और बता देंगे तो कोई कोई संत लोग हैं, ऐसे लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, गृहस्थ लोगों को, कोई कोई संत लोगों को सुनाई देता है भगवान बुद्ध जी बहुत चतुर, तो इन लोग भगवान बुद्ध को हराने के लिए बहुत वाद विवाद बनाता है, हम लोग कैसे तर्क करेंगे, तब तुरंत हार जाएगा गौतम, बना के जाता है, उन लोग को सुनाई देता है उस गांव में आ गया। फिर उन लोग जा रहा है, जा करके बैठने के बाद भगवान बुद्ध जी स्वाकात धर्म बताता है, भगवान बुद्ध जी का ज्ञान सुनते ही सारे लोग ज्ञान प्राप्त करता है,
प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है उन लोग भगवान के साथ, एक प्रश्न पूछता नहीं, वाद विवाद के बारे में क्या बात है। बाद में सभी लोग तथागत की शरण में आ गया। ये चार निशाना को देख के ही मैं तथागत भगवान बुद्ध के बारे में एक निश्चय में आ गया, वो तो सम्मा संबुद्ध है, उनका धर्म स्वाख्यात है, आर्य महासंघ सुपटिपन्न है। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ तक पिलोतिक तपस्वी चार चार निशान के बारे में समझ में आ गया ना। पहला क्षत्रिय पंडित लोग आता है, और ब्राह्मण पंडित लोग आता है, गृहस्थ पंडित लोग आता है, और संत लोग तपस्वी पंडित लोग भी आता है। पंडित मतलब विद्वान ना, वाद विवाद करने के लिए आता है सब। लेकिन सभी लोग कहा करके भगवान बुद्ध की थोड़ा ज्ञान सुनते ही उनका शरण में चले जाते हैं। पिलोतिक तपस्वी उसी प्रकार बताने के बाद जानु सुनि ब्राह्मण एकदम सफेद घोड़ी लगाए हुए अश्वरथ से उतर गया। उत्तरासंग उस समय एक सोल ओढ़ के जा रहा है ना, ऐसे करके हम लोग ओढ़ते ना सोल, उसी प्रकार भारत का सिस्टम है, सोल ओढ़ के जा रहा है सभी लोग। अभी भी है राजा का कहानी में, सुदूर राजा का कहानी, सभी लोग सोल ओढ़ के रहता है, वो पुराना सिस्टम है। वो सोल एकांश में किया यानी कि एक तरफ लिया लेकर के जिस दिशा में तथागत भगवान बुद्ध जी, उस दिशा में हाथ जोड़ के तीन बार बताया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मतलब क्या है, उन तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन हो। तब बताया हम लोग को भी कभी चांस मिल गया तो, मौका मिल गया तो उनका दर्शन करने के लिए कितना अच्छा है। इसके बाद जानुसोनी ब्राह्मण तथागत भगवान बुद्ध जी को खोज खोज के गया, जा करके श्रावस्ती में आ गया, भगवान बुद्ध जी से मुलाकात हो गया। मुलाकात होने के बाद जो पिलोतिक तपस्वी के साथ जो कुछ बातचीत हो गया, सारे बात तथागत भगवान बुद्ध जी को बताया, कौन जानुसोनी ब्राह्मण। तब भगवान बुद्ध जी जानुसोनी ब्राह्मण को बताया, नहीं पुण्यवान ब्राह्मण, उतना में से हाथी का पैर का चिन्ह के बारे में बताया गया उदाहरण संपूर्ण नहीं होता है। पुण्यवान ब्राह्मण उसी हाथी का पैर का चिन्ह के बारे में सब कुछ जानना चाहिए तो सुनिए। इसी प्रकार है पुण्यवान ब्राह्मण, हाथी का जंगल में एक आदमी रहता है, वो एकदम पहचान सकता है वो चिन्ह, उसको बहुत बड़ा एक चरण दिखाई देता है, लंबा चौड़ा चरण का चिन्ह। लेकिन वो आदमी हाथी को पहचान सकता है, तब वो एक निश्चय में नहीं आता है ये तो महाहाथी है, ऐसा निश्चय में नहीं आता है। ये इसका कारण क्या है, जंगल में है वामनिका नाम का हाथीनी, हाथीनी मतलब स्त्री हाथी, हाथीनी वामनिका नाम है। वामनिका हाथीनी बहुत बड़ा है, विशाल है, पैर भी बड़ा है। तब वो आदमी एक निश्चय में नहीं आता ये मेन हाथी है, तो वो और जंगल के अंदर तक जाता है। जाने के बाद और बहुत बड़ा
लंबा चौड़ा हाथी का चरण भी दिखाई देता है और पेड़ का ऊपर ऊपर से अपना पीठ लगड़ाया हुआ निशाना में दिखाई देता है। इसका मतलब लंबा हाथी होना चाहिए ना, ऊपर ऊपर साइड से अपना पीठ को लगड़ा दिया, ऐसा चिन्ह भी दिखाई देता है। लेकिन हाथी के बारे में जो खोजने चतुर हैं वो व्यक्ति एक निश्चय में नहीं आता है कि ये तो सबसे मेन हाथी नहीं है, ये तो मेन हाथी है, ऐसा निश्चय में नहीं आता है। क्यों? जंगल में एक हाथिनी है, उच्चा कालारिका हाथिनी भी लंबी है, उसका पैर भी चिन्ह बहुत बड़ा है, इसलिए मन में आता शायद उसी हाथिनी का भी हो सकता है, इसलिए एक निश्चय में नहीं आता है, और अंदर तक खोज के जाता है। जाते समय उनको दिखाई देता है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पैर का निशाना, और दिखाई देता है पेड़ के ऊपर ऊपर से शरीर पीठ लगड़ा हुआ चिन्ह, और दिखाई देता है अपना लंबी दांतों से डांगी थोड़ खानी वगैरह तोड़ दिया है, वो चिन्ह दिखाई देता है दांत से तोड़ा हुआ चिन्ह। फिर भी दांत का चिन्ह लग जाता ना पेड़ में, वो देखने के बाद भी हाथी के बारे में जो खोजने में तेज है वो एक निश्चय में नहीं आता है, ये तो मेन हाथी है ऐसा निश्चय में नहीं आता है। इसका कारण क्या है? जंगल में एक हाथिनी है, उच्चा खनेरु का हाथिनी है, शायद उन लोगों का निशाना हो सकता है। उच्चा खनेरु का भी दांत है हाथिनी का, पहला कौन है? वामनी का, दूसरा उच्चा कालारी का, तीसरा उच्चा खनेरु का। शायद उच्चा खनेरु का हाथी हो सकता है। इसके बाद और जंगल के अंदर अंदर तक जाता है, जाने के बाद दिखाई देता है बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह, और दिखाई देता है ऊपर ऊपर में पीठ लगड़ाया हुआ चिन्ह, और दांत से खंडी डांगी वगैरह थोड़ा हुआ चिन्ह दिखाई दे रहा है, तथा उस समय बाहर मेन हाथी घूम रहा है या बैठ के रहता है या आराम करते रहता है, मेन हाथी दिखाई देता है, तब वो एक निश्चय में आ जाता है ये है महाहस्तिराज। पुण्यवान ब्राह्मण ठीक उसी तरह संसार में तथागत भगवान बुद्ध की जन्म होता है, वे अरहंग हैं, सम्मा सम्बुद्ध हैं, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है, सत्था देव मनुष्यानं है, बुद्ध है, भगवा है, वो देव सहित, मार सहित, ब्रह्म सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित, देव मानव प्रजा को अपने स्वयंभू ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से सब कुछ जान के प्रवचन देता है सबको। उनका धर्म का शुरुआत सुंदर है, माध्यम सुंदर है, अंत भी सुंदर है, अर्थ सहित है, एकदम साफ वचन है, पूरा परिपूर्ण परिशुद्ध निर्वाण की रास्ता तथागत भगवान बुद्ध जी बताते हैं। गृहस्थ जीवन में रहने वाले कोई एक पुण्यवान व्यक्ति को निर्वाण की रास्ता दिखाने वाले तथागत की धर्म सुनाई देता है। तथागत की धर्म सुनने से उनका मन में श्रद्धा उत्पन्न होता है, तब वो ज्ञान से मनन करना शुरू करता है। श्रद्धा उत्पन्न होते ही योनिसु मनसिकार या तो फिर ज्ञान से मनन करना शुरू करता है। गृहस्थ जीवन बिताना बहुत कष्ट है, क्लेश गंदगी सहित मार्ग है,
बहुत तकलीफ ग्रहस्त जीवन, लेकिन प्रवाजी जीवन आसमान जैसा है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये एकांत परिपूर्ण, एकांत परिशुद्ध, एकदम सफेद उत्तम ब्रह्मचारी को का रास्ता पे जाना आसान नहीं है। इसीलिए मुझे एक चीज करना है, ये बाल दाढ़ी काट के चीवर पहन के गृहस्थ जीवन को त्याग करके चीवर पहनना चाहिए। तब वो बाद में अपना थोड़ा या बड़ा बहुत सारे वस्तु त्याग करता है, अपने सारे रिश्ता परिवार को त्याग करता है, बाल दाढ़ी काट के चीवर पहन के गृहस्थ जीवन त्याग करके भिक्षु बन जाता है। उसी प्रकार उत्तम प्रवाजित जीवन को पाने के बाद जो भिक्षु लोग सुरक्षा करता है, शिक्षा पद खुद सुरक्षा करता है, प्राणियों को हत्या नहीं करता है, प्राणियों को हत्या त्याग करता है, दूसरों को कष्ट पीड़ा करने के लिए हाथ में डांटा पत्थर उठाता नहीं, औजार कभी चूता नहीं, प्राणियों को हत्या करने से शर्म आता है, सारे प्राणी पर दयावान होता है, सारे प्राणी पर हितानुकंपी बन जाता है, चोरी करना छोड़ता है, चोरी करना छोड़ के जो देता है सिर्फ वही लेता है, जो नहीं देता है उसको लेने में पसंद नहीं करता है, चोरी करना छोड़ के पवित्र मन से रहता है, अब्रह्मचारी को त्याग करके ब्रह्मचारी होता है, जो गलत काम गलत आचरण है वो सब दूर करता है, नीच जो मैथुन सेवन है औरत लोग स्त्री लोग के साथ त्याग करता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, झूठ बोलना त्याग करता है, सत्यवादी बन जाता है, सत्य से सत्य मिला के बात करता है, उनका मुंह से निकलने वाले हर एक वचन स्थिर है, एकदम विश्वास वचन निकलता है, मानने वाले वचन निकल जाता है, कभी भी दुनिया उलझाने वाले शब्द मुंह से नहीं निकालता है, चुगली करना छोड़ देता है, चुगली से मुक्त होता है, उधर से सुन के इधर आकर के चुगली नहीं करता है लड़वाने के लिए, इधर से सुन के उधर जाके नहीं बोलता है लड़वाने के लिए, तथा विदा जो कुछ विदा हो गया, जो कोई जो विदा हुआ है उन लोगों को मिलाता है, मिल के रहने के बारे में बात करता है, पूरे संसार के लोग मिल के रहने में पसंद करता है, संसारी लोग अगर मिल के रह जाएगा तो उस पे ये आदमी पसंद करता है। मिलजुल के रहने के जो कुछ उपकार हैं, मिलजुल के रहने के लिए जो कुछ उपकारी होता है ऐसा शब्द बोलता है, बंद करो। और मिल के रहने वाले बात ही करता है, और कठोर वचन त्याग करता है, कठोर वचन यानि कि गाली देना, यानि कि गाली देना हो या कठोर शब्द है ना वो छोड़ देता है, बहुत कसी श्वास लेता है। और जो दोषी नहीं है ऐसा शब्द हमेशा बोलता है, कैसा शब्द, खान में मद जैसा, शहद जैसा, सुनने में अच्छा लगता है वैसा शब्द बोलता है, स्नेह
भरा हुआ वचन बोलता है, उसका मुंह से निकलने वाले वचन में स्नेह भरा हुआ है। हृदयंगम यानी कि दिल टच करने वाली बातें हमेशा करते रहता है। किसके जैसा? निरोध बंते जी के जैसा। और बहुत भी अच्छा शब्द इस्तेमाल करता है, यानी कि भाषा का जो कुछ पवित्र है वो पवित्र शब्द इस्तेमाल करता है। कैसे? जो प्रवचन देने वाले बाबा लोग इस्तेमाल करता है वैसा। आप लोग का भी ठीक है, लेकिन मांगे ही एकदम कट्टर पाखंडी शब्द और नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो पसंद करता है, प्रिय मनाप है, वैसा वचन बोलता है, वही है मीठा बात। इससे फालतू बात नहीं करता है, फालतू फालतू बात से छोड़ देता है। जो समय पर जरूरत पड़ता है, सत्य है, उसमें अर्थ है, वही बात करते रहता है। अभी समय में क्या जरूरत है, इस समय वही बात करता है। और जो सत्य है वही बात करता है, जो अर्थ है जिस बात में वही करता है, धर्म बात करता है, विनय बात करता है। हमेशा जो बात करता है वो दिमाग में रखने में योग्य है, ऐसा बातें करते रहता है। कोई भी लोग बात करता है टाइम वेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं। तो उसी प्रकार वो भिक्षु कोशिश करता है। इसके बाद वो भिक्षु चीवर पहन लिया, घर द्वार त्याग करके वो पेड़ पौधा को तोड़ना बंद करता है, सिर्फ सुबह के समय में भोजन करता है, रात्रि भोजन त्याग करता है, नाचना गाना बजाना इत्यादि विकार दर्शन से मुक्त होता है, फूल सुगंध सेंट से मुक्त हो जाता है, सजावट से मुक्त होता है, बहुत हाई क्वालिटी का आसन त्याग करता है, सोना चांदी इत्यादि को स्वीकार नहीं करता है, कच्चा धान स्वीकार नहीं करता है, कच्चा मांस स्वीकार नहीं करता है, स्त्री कुमारी लोगों को स्वीकार नहीं करता है, दास दासी लोगों को स्वीकार नहीं करता है, बकरी भेड़ लोगों को स्वीकार नहीं करता है, सुअर मुर्गा लोगों को स्वीकार नहीं करता है, हाथी गाय घोड़ा घोड़ी इत्यादि को स्वीकार नहीं करता है, खेत जमीन स्वीकार नहीं करता है, गृहस्थ लोगों का संदेश इधर उधर ले जाता नहीं है, बिजनेस का लेन देन नहीं करता है, दांडी नहीं मारता है। और दांडी मारना, ठगना और घूस लेना, घूस देना और दूसरों को फंसाना ये नहीं करता है, हाथ पैर काटना मारना और दूसरों को दंड देना, चोरी करना गांव चोरी करना, गुंडापन, ये सारी चीज से हट जाता है। समझ में आ गया क्या क्या करना है? हाँ, अभी यहाँ तक समझ में आ गया। पहले सील के बारे में बताया, इसके बाद क्या एक्सेप्ट करना है वो बताया, यहाँ तक सील है। इसके बाद तो भिक्षु संतुष्ट हो जाता है शरीर बंद करने वाले चीवर से, पेट भरने वाले पिंडपात से खुश होता है। जहाँ वो जाता है सिर्फ पात्र और चीवर सिर्फ लेके जाता है। एक चिड़िया इस समय जो बारिश में इधर उधर उड़ती ना चिड़िया, उसी चिड़िया एकदम हल्का है ना, सिर्फ पंख का भारी है, वैसे ही है भिक्षु। जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट है, अपना मिलने वाले चेवर से और पेट भरने के लिए भोजन से खुश हो जाता है। जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ पात्र और चीवर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी प्रकार
श्रेष्ठ सील से समन्वित होके सम्यक आजीविका करता है। इसके बाद वो भिक्षु आँख से रूप देख के उसी रूप का आकार नहीं लेता है, छोटा आकार भी नहीं लेता है। अगर ये आँख अशांत हो गया तो पापी इच्छा और क्रोध इत्यादि पापी विचार उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए मौका नहीं देता है, अपनी आँख शांत करता है। तथा कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये छह इंद्रियां में जो कुछ आता है उस पर नीच इच्छा गुस्सा उत्पन्न होने वाले विचार आते रहता है ना, उसी विचार को आने नहीं देता है, अपना छह इंद्रिया को शांत करता है। इसके बाद इसी प्रकार ये छह इंद्रिया जो कुछ भिक्षु शांत करता है, अपना वश में करता है, वो अपने पास बिना पीड़ा के बहुत बड़ा सुख भोगता है। अगर आप लोग भी छह इंद्रिया कंट्रोल करेगा ना, अपना वश में करेगा ना, आप लोग को इतना सुख मिलता है कह नहीं सकता। वो आगे जाते समय, वापस आते समय बहुत कल्पना में रहता है, होश में रहता है, एकदम सम्यक कल्पना में रहता है। आते समय, जाते समय, आगे देखते समय, इधर उधर देखते समय होश में रहता है, कुछ सुनते समय होश में रहता है, और हाथ ऐसे मोड़ते समय, लंबा करते समय होश में रहता है, चीवर पहनते समय और डबल चीवर, सिंगल चीवर पहनते समय होश में रहता है, पात्र इस्तेमाल करते समय होश में रहता है, जो कुछ खाता है, पीता है, चबाता है, स्वाद लेता है, वो सारी चीज़ उनके बारे में कल्पना में रहता है, यानी कि होश में रहता है। पेशाब पैखाना करते समय होश में रहता है, जाते समय, ठहरते समय, बैठते समय, सोते समय, सोने के बाद नींद आने तक वो होश में रहता है, कल्पना में रहता है। बात करते समय तथा बिना बात करके चुप होते समय एकदम सम्यक कल्पना में रहता है, होश में रहता है। तो उसी प्रकार श्रेष्ठ सील से युक्त तथा इंद्रिय संवर से युक्त तथा सम्यक कल्पना से युक्त वो भिक्षु दूर आश्रम में रहता है, आरण्य में रहता है, पेड़ों के नीचे रहता है, पर्वत में रहता है, झरना के पास, गुफा में, शमशान घाट में, जंगल में, जहाँ आराम है, शांत है, झोपड़ी में, कुटिया में रहता इस्तेमाल करता है। तो वो भोजन करने के बाद पालथी मोड़ के बैठ जाता है, शरीर सीधा करता है, अपना भावना कारण पे मन लगाता है, अपना वो जीवन का, जीवन की दुनिया में आसक्त होना तथा घृणा होना छोड़ देता है, इच्छा से मन हटा के मन पवित्र करता है, पंच काम से मन हटाता है, गुस्सा से गुस्सा आना, मन नाराज होना, ये हटा के सारे लोगों के प्रति हितानुकंपी होता है, व्यापाद को हटा के यानी कि गुस्सा को हटा के मन पवित्र करता है, आलसी को हटाता है, नींद आना बाद में करेंगे, तीन मित्र को हटा के बहुत कल्पना में रहता है, आलोक संज्ञा पाता है, तीन मित्र को हटा के मन पवित्र करता है, उद्दच को कुछ त्याग करता है, मन भटकना रोकता है, अपने पास मन शांत करता है, उद्दच्च कुच्च को हटा के मन पवित्र करता है, विचिकित्सा को त्याग करता है, बिना विचिकित्सा के रहता है, कुशल धर्म के बारे में कैसे होगा कैसे होगा ये शक कभी नहीं करता है, शक को त्याग करके मन पवित्र करता है, वो ये पांच निवरण को त्याग करता है, प्रज्ञा को कमजोर करने वाले
मन में उपाक क्लेश त्याग करता है, काम को त्याग करके, अकुशल त्याग करके, वितर्क सहित, विचार सहित, प्रीति सहित, सुख सहित प्रथम ध्यान में आ करके रहता है। पुण्यवान भिक्षु, पुण्यवान ब्राह्मण उसको कहता है तथागत भगवान बुद्ध जी का चरण का चिन्ह। चरण का चिन्ह क्या है? सीलवान हो जाता है, इसके बाद संतुष्ट हो जाता है, इसके बाद इंद्रिय संवर करता है, इसके बाद पहला ध्यान में आता है, वही है तथागत के पैर का चिन्ह। तथागत भगवान बुद्ध पीठ लगड़ा हुआ जगह, तथागत सती यानी कि होश नाम का दान से तहनी कान डांगी तोड़ा हुआ जगह, लेकिन आर्य श्रावक ऐसे होने के बावजूद भी एक निश्चय में नहीं आता है। तथागत भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध है, उनका धर्म स्वागत करते, उनका श्रावक संग सुपटिपन्न अनुभव करना चाहते हैं और बता देंगे तो वितर्क विचार शांत करके अपनी की ओर प्रसन्नता को उत्पन्न करके मन में एकाग्रता सहित, एकाग्रता मतलब मन शांत करके वितर्क विचार रहित समाधि से उत्पन्न हुआ प्रीति सुख के साथ दूसरी ध्यान लेके रहता है। उसको कहता है भगवान बुद्ध जी, भगवान बुद्ध की चिन्ह पैर का, तथागत भगवान बुद्ध पीठ लगड़ा हुआ जगह, तथागत भगवान बुद्ध होश नाम का दान से खानी टहनी थोड़ा हुआ जगह। फिर भी आर्यश्रा एक निश्चय में नहीं आता है कि तथागत भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, उनका धर्म स्वाकात है, श्राव का संग सुपटिपन्न है। और बता देंगे तो भिक्षु प्रीति को भी आसक्त नहीं होता है, उपेक्षा में रहता है, होश में रहते हुए शरीर से सुख भोगता है। आर्य लोग इसको इस समाधि को कहता है उपेक्षा में रहते हुए, होश में रहते हुए सुख से सुख भोगता है। आर्य लोग की समाधि को क्या कहता है? उपेक्षा में है लेकिन होश में रहते हुए सुख भोगता है, वही तीसरी ध्यान पाके रहता है। पुण्यवान ब्राह्मण उसको कहता है तथागत का चिन्ह, जहाँ तथागत पीठ को लगड़ा दिया और होश की दांतों से खानी डांगी तोड़ा हुआ जगह, फिर भी आर्य श्रावक निश्चय में नहीं आता है तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका धर्म स्वाकात है, श्रावक संग सुपरिपन्न है। पुण्य ब्राह्मण और बता देंगे तो भिक्षु सुख दुख दोनों त्याग करता है, पहले से मानसिक सुख दुख दोनों से हट के बिना दुख के बिना सुख के पवित्र उपेक्षा में आता है, पवित्र उपेक्षा में आकर के चौथी ध्यान पाके रहता है, यानी कि चौथी ध्यान तक वो सुख भोगता है ना। चौथी ध्यान में आने के साथ साथ उपेक्षा में, उपेक्षा मतलब सुख भी नहीं दुख भी नहीं, सब त्याग करेगा उपेक्षा में। ये उपेक्षा वीतरागी है, अभी हम लोग को उपेक्षा सुख भी नहीं दुख भी नहीं, वो राग साहित्य है। चौथी ध्यान पाने के बावजूद भी तथागत एक निश्चय में नहीं आता है कि भगवान बुद्ध अरहंग है, नहीं सम्यक संबुद्ध है और उनका धर्म स्वाकात है, श्रावक संग सुपटिपन्न है। इसके बाद उसी प्रकार मन शांत करने के बाद, मन पवित्र करने के बाद मन चमकता है, उपक्लेश हट जाता है, मन बहुत मुलायम होता है, मन एकदम अचंचल होता है, आकंपित होता है। तब यानी कि चौथी ध्यान में आने के बाद उस व्यक्ति को यानी कि भिक्षु को अपने पिछले जन्म देख सकता है आंखें बंद करके, कैसे वो कैसे जीवन बिताया
एक जन्म देख सकते हैं, या दो, तीन, या आठ, या दस, या हजार, या पाँच हजार, या एक लाख, या एक कल्प, या दस कल्प, या संगवट कल्प। संगवट मतलब उत्पन्न होने वाले हर एक कल्प, संगवट युवट कल्प जो खत्म होता है फिर उत्पन्न होता है, उतना दूर तक देख सकता है। उस समय मेरा नाम क्या था, मेरा गोत्र क्या था, मेरा रूप कैसे था, हम क्या खाया है, हम इसी प्रकार सुख भोया, हम इसी कारण मर गया, उधर से मर के उधर उसी जगह जन्म लिया, उसी जगह उसी समय का मेरा नाम यही है, मेरा गोत्र, मेरा सुंदरता, हम मेरा खाया, खान पान, सुख दुख, वहाँ से मर के वहाँ चला गया, वहाँ जन्म लिया, उसी प्रकार विस्तार से पिछले जन्म जन्म देख सकता है। आप लोग नहीं देख सकता है? देख सकते हैं ना, सिर्फ सोन को देख सकते हैं पिछले जन्म, बाकी किसी को? आप लोग मेहनत करिए, फिर भी भगवान बुद्ध जी, फिर भी भगवान बुद्ध बताए पुण्यवान ब्राह्मण तथागत, फिर भी एक निश्चय में वो भिक्षु फिर भी एक निश्चय में नहीं आता है। तथागत भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, उनका धर्म स्वाक्कात है, श्रावक संघ सुपटिपन्न है। उसी प्रकार मन बहुत निर्मल होने के बाद, पवित्र होने के बाद, एकदम अटल होने के बाद, आकंपित होने के बाद, उनको दूसरों का मृत्यु और जन्म के बारे में देख सकते हैं आंखें बंद करके। यहाँ से चला गया, कहाँ गया, हाँ वहाँ चला गया, ये शरीर मन वन से पाप किया तो ये आज मारने का जानवर बन गया, अरे कुत्ता बन के घूम रहा है वहाँ, इधर से जैसा जीवन बिताया वो उसी घर का आदमी मर गया, कहा गया है अरे वो जानवर बन गया है, एक कीड़ा बन गया है, उसी घर का मर गया वो कहा गया, हाँ वो बन गया गाय, उसी घर का एक अच्छा बच्ची थी वो मर गई, बहुत शीलवान थी कहा गई, धरती पर तो नहीं है, कहाँ है, देवलोक में, अरे निर्माण रहती देवलोक में, एकदम सुंदर देवी माँ बन गई, ध्यान करती है, सुख भी भोगती है। इसी प्रकार सारे लोगों के बारे में देख सकते हैं, वो मर गया कहाँ गया, जो पुण्य करते हैं उन लोग अच्छा जगह जाना पाता है मनुष्य लोक में या देवताओं के पास, जो पाप करता है उन लोग नरक में जाता है, जानवर बन जाता है, या तो फिर प्रेत बन जाता है, या कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं, वो सब देख सकता है। कर्म के अनुसार लोग मर जाता है और जन्म पाता है। यही है भगवान बुद्ध की तथागत की फीट लगड़ा हुआ चिन्ह और तथागत अपनी होश की दांतों से चिला हुआ चिन्ह, फिर भी आर्य श्रावक एक निश्चय में नहीं आते, तथागत भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, उनका धर्म स्वाक्कात है, श्रावक संघ सुपटिपन्न है। उसी प्रकार मन शांत होने के बाद, अटल आकंपित होने के बाद, उपक्लेश मन से हटने के बाद, मन एकदम सॉफ्ट होने के बाद, उनको आश्वाक्य ज्ञान उत्पन्न होता है। आश्वाक्य ज्ञान मतलब अपने मन की सारी गंदगी को त्याग करके यथार्थ समझ लेता है, ये दुख है, दुख का कारण ये है, दुख का नाश ये है, दुख नाश करने का मार्ग आर्य, चार आर्य सत्य के बारे में समझ लेता है। यही है तथागत भगवान बुद्ध के चिन्ह। तथागत भगवान बुद्ध जी अपना पीठ लगड़ा हुआ जगह, अपना होश की दांत से खानी टहनी तोड़ा हुआ जगह, तब वो आर्य श्रावक फिर भी एक निश्चय में नहीं आता है, कुछ निश्चय तक आता है, कुछ निश्चय तक आता है। तथागत भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है, उनका धर्म स्वाक्कात है, श्रावक संघ सुपटिपन्न है। उसी प्रकार यथार्थ देखने के बाद, मेरे ख्याल सोतापन होने के बाद, यथार्थ देखने के बाद सचमुच उनका मन अनासक्त होता है, पुनर्जन्म खत्म कर देता है, ब्रह्मचर्य संपूर्ण करता है, फिर कभी भी संसार में नहीं गिरता है, उत्तम अर्हत्व को संपूर्ण करता है,
सम्मा संबुद्धत्व को संपूर्ण नहीं बुद्ध शासन को संपूर्ण करता है पुण्यान ब्राह्मण, तब तो वही है तथागत पीठ लगड़ा हुआ चिन्ह, होश की दांत से खानी पहनी तोड़ा हुआ चिन्ह पुण्यान ब्राह्मण, तब आर्य श्रावक लोग एक निश्चय में आ, बिल्कुल निश्चय में आ जाता है तथागत भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है, उनका धर्म स्वाखात है, श्रावक संग सुपरिपन्न है ब्राह्मण। उसी प्रकार हाथी का चरण उदाहरण बना के बताया गया, उपदेश विस्तार से सुन सकता है। जान सोनी ब्राह्मण बताया तथागत भगवान बुद्ध जी कितना सुंदर है, कितना सुंदर है भगवान, बहुत सुंदर है। पलटा हुआ चीज को सीधा किया जैसा, ढका हुआ चीज को खोल दिया जैसा, रास्ता भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाया जैसा, अंधकार में दिया जलाया जैसा, अंधकार में दिया जला के रूप दिखाने के लिए मौका दिया जैसा, ठीक उसी तरह तथागत भगवान बुद्ध जी अपने मुंह से पुण्य नदी बहा दिया, सुंदर सुंदर ज्ञान के शब्द आपका मुंह से निकल गया तथागत, मरने दम तक मैं आपकी शरण में जाता हूँ, पवित्र धर्म की शरण में जाता हूँ, आर्य महासंघ की शरण में जाता हूँ, आज से मरने दम तक समझ लीजिए मैं आपकी उपासक हूँ। ये है चूल हाथी पदों को सूत्र।